हमने ये चीज महसूस किया है और देखा भी है कई इलाकों में जा करके कि कोई इलाका है, गांव है, कस्बा है, खुद हमारे घर में हमारा भाई या हमारे रिश्तेदार बिल्कुल अगर उसको कहते हैं ना गरीबी रेखा से नीचे भी पहुंच चुका है, खाने पीने को भी प्रॉब्लम चल रही है, पढ़ाई लिखाई रुक गई है, लेकिन वही इंसान जो उसका रिश्तेदार है, भाई है, चचा है, जो भी है, खड़े होकर मस्जिद बनवा रहे हैं, खड़े होकर बड़े बड़े इमाम बारगाह बनवा रहे हैं, जबकि तीन चार मौजूद हैं। तो इसके बारे में मेरा एतराज नहीं है नाज़रीन, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ लफ्जों में हदीस मौजूद है, अगर किसी के पास 5 दिरहम है, 5 खजूर है, और वो उसको खर्च करना चाहता है 5 जगह के ऊपर, और आप रिवायत, देखिए रिवायत पढ़ना कमाल थोड़ी है, उसमें क्या निकल के आ रहा है उस पर आदमी की निगाह पड़े, वो अहम चीज जी। अभी आपको जो है क्लास में रख दिया जाए, ब्लैक बोर्ड दे दिया जाए, 5 चीजें हैं पढ़ाई, आप कैसे पढ़ाएंगे? आप नंबर 1 जी, नंबर 2 हदीस में यही तो होना चाहिए था, बिल्कुल 5 जगह खर्च करना है, तो नंबर 1 ये है, नंबर 1 नहीं कहा है जी, अफजलुहा, पहले को अफजल का, अफजल तरीन जगह क्या है, कहाँ खर्च करेगा वो? अला वालिद है, माँ बाप, सानिया दूसरे नंबर पर, अला नफ्स ही व अयाले, अपने ऊपर और अपने बाल बच्चों पर, ठीक है, फैमिली हो गई, रुक जाइए, फैमिली हो तो गई, लेकिन फैमिली पर मुकद्दम माँ बाप, पहले माँ बाप खाएंगे, फिर हम खाएंगे, फिर हमारा बच्चा खाएगा, सुम्म सालिसा अला कराबतिहिल फुकरा, गरीब रिश्तेदार, ثم الرابعة على جيرانه الفقراء غريب پڑوسی, ثم الخامسة في سبيل الله, پانچویں نمبر پر ہے راہ خدا, خیرات, مسجد بنا رہے ہیں, راہ خدا پانچویں نمبر پر ہے. اس کے بعد جو جملہ ہے حضرت کا, فرماتے ہیں وَهِيَ أَخَسُ أَجْرًا, اور یہ جو فی سبیل اللہ ہے نا, اس کا ثواب سب سے کم ہے. اچھا, رشتہ دار, غریب پڑوسی, ماں باپ ان فیملی, یہ زیادہ ہے جی جی. بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے بقول آپ کے, کہ وہ کیا کہا آپ نے, جو سطح غربت کے بھی نیچے ہیں, یا ہندی میں جو آپ نے کہا کہ غریبی ریکھا سے بھی نیچے ہیں, اگر ایسا ہے جی تو مسجد بنوانا تو دور کی بات ہے, 10 روپے جو صدقہ نکالا ہے نا, وہ بھی قبول نہیں. پہلے ادھر دیکھو, لا صدقہ وذو رحم محتاج, صدقہ صدقہ نہیں ہے اگر کوئی رشتہ دار غریب موجود ہے. اللہ اکبر, آپ نے اس کی مدد نہیں کی, صدقہ نکال رہے ہیں, صدقہ قبول نہیں ہے. پہلے اپنوں کو دیکھو, اس کے بعد فی سبیل اللہ, راہ خدا پانچویں نمبر پر ہے.